कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर थाना क्षेत्र में एक युवक अपने साथी के साथ भानु प्रतापपुर से सुलंगी अंतागढ़ के लिए रवाना हुआ था। उसी बीच स्टेट हाईवे पर असुरखार के समीप तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को पीछे से ठोकर मार दी, जिससे बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। लगभग दो वर्ष पूर्व बसना थाना क्षेत्र के ग्राम पिरदा के देसी शराब दुकान में सेल्समैन पर पिस्तौल टिकाकर काउंटर से पैसे लूटने के एक मामले में तीन आरोपियों को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश हिमांशु जैन द्वारा 10-10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। महात्मा गांधी को गाली देने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में बंद स्वयंभू संत कालीचरण की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कालीचरण को अब महाराष्ट्र पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी कालीचरण को लेकर पुणे रवाना हो गए। शासकीय राशन दुकानों में अमानक चावल आवंटन के मामले में नॉन यानी नागरिक आपूर्ति निगम के कोरबा जिले में पदस्थ दो क्वालिटी इंस्पेक्टर का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में एक अधिकारी द्वारा दिव्यांग से रिश्वत मांगने का मामला वायरल हुआ है, जिसमें जिले में समाज कल्याण विभाग के उप संचालक अरविंद गिदाम और दिव्यांग मितान राम प्रताप के द्वारा दिव्यांग से रिश्वत की मांग की जा रही है। रायपुर के डीडी नगर इलाके में बीती रात चाकूबाजी में एक युवक की हत्या हो गई। युवक गुलशन यादव अपने दोस्त के साथ घूमने निकला था, तभी कुछ अज्ञात हमलावरों ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। ये पूरी वारदात पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बिलासपुर शहर का नामचीन जमीन माफिया और बिल्डर से परेशान लोरमी निवासी दुर्गा ने पुलिस कप्तान से न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि जमीन माफिया और उसकी पत्नी ने 2010 में जमीन बेचा, इसके बाद इसी जमीन को 5 बार बेच चुके हैं। अब जमीन मांगने पर खुलेआम धमकी देते हैं कि जहां जाना है वहां जाओ। मौदापारा पुलिस की टीम द्वारा थाना मौदापारा क्षेत्र अंतर्गत रजबंदा मैदान तालाब पर हाथ में धारदार चाकू लेकर आम लोगों को आतंकित करते आरोपी रमजान खान को धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। बिलासपुर जिले की सरकंडा पुलिस ने चोरी की सामग्री समेत दो आरोपियों को धर दबोचा है। आरोपी महेश साहू के खिलाफ पुलिस ने आईपीएस की धारा 379-411 का अपराध दर्ज कर न्यायालय के हवाले किया है। मुंगेली जिले में एक ट्रैक्टर सीधे नहर में जा गिरा, इससे तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद तीन अंदर ही फंसे रह गए। बताया गया कि तीनों काम कर वापस लौट रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। अंबिकापुर शहर के बेखौफ बदमाशों ने सुनियोजित तरीके से 5 युवकों पर हमला कर दिया। हमले में गोधनपुर निवासी दीपक गुप्ता को गंभीर चोटें आई हैं, उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। बीते 29 दिसंबर की देर शाम सरिया थाना क्षेत्र के सिरसीडी बकरवा नदी के पास लैपटॉप मोबाइल एवं नगद लूटने के मामले में रायगढ़ जिले की सरिया पुलिस ने मामले का खुलासा कर घटना में शामिल दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ जिले के गिरिडीह शहर में बुधवार की शाम को उस वक्त बवाल हो गया जब पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल होने से पुलिस ने एक भाजपाई को अंबेडकर चौक के पास रोक दिया और जब उसने विरोध किया तो पुलिस ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। जांजगीर के मड़वा पावर प्लांट में आगजनी, तोड़फोड़, राजस्व प्लांट व पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ मारपीट, आग लगाने के प्रयास करने के मामले में पुलिस ने बुधवार को 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दुर्ग के पुलगांव थाना अंतर्गत ग्राम चंदखुरी भाटा में किसान हरीश साहू के खेत में बुधवार के दोपहर करीब 2:30 बजे नरकंकाल मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।
सौ को जानवर ने नोच खाया था। नए साल की पार्टी मनाने के लिए खेत में मिजाई कर रखे गए 23 कट्टा धान की चोरी करने और खरीदने वाले 5 आरोपियों को राजनांदगांव जिले की ठेलकाडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी थाना क्षेत्र से लगे ग्राम देवडोंगर के हैं। राजनांदगांव जिले के ठेलकाडी पुलिस ने ससुरालियों के दहेज प्रताड़ना से तंग आकर महिला की खुदकुशी के बाद मृतका के पति और सास को गिरफ्तार कर लिया है। धमतरी जिले में नगरी के जैन मंदिर से चोरों ने 3 लाख रुपए सोने चांदी के आभूषण और नकद चोरी कर ली है। चोरों ने दान पेटी तोड़कर रकम निकाल ली और दान पेटी को खेत में फेंक कर भाग गए। बुधवार को महासमुंद जिले की सिघोड़ा पुलिस ने हाईवे 53 पर गनियारी पाली के पास कार में गांजा परिवहन करते 2 युवकों को धर दबोचा है। आरोपियों से 24 किलो गांजा, कार और 2 मोबाइल जब्त किया गया है। तिल्दा के समीपस्थ ग्राम सरोरा में 4 माह पूर्व आयोजित जन सुनवाई का विरोध कर जनप्रतिनिधियों के साथ गाली गलौज और पुलिस पर पथराव करने के आरोप में तिल्दा पुलिस ने बुधवार को 12 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नगर निगम रायपुर की टीम ने राजधानी में मास्क नहीं पहनने वाले 1144 लोगों को विभिन्न चौक चौराहों पर समझाइश देकर कुल 80,840 रुपए का जुर्माना वसूल किया। कोरोना वैक्सीन लगने के एक दिन बाद राजनांदगांव जिले के पांडादामे इलाके में एक स्कूली छात्रा की मौत हो गई। हड़कंप की स्थिति मच गई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि छात्र की मौत अन्य दिक्कतों के कारण हुई है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन की छोटी साइडिंग में अचानक ईएमयू इंजन के 2 पहिए पटरी से उतर गए। इस घटना को उजागर नहीं किया गया। आनन फानन में उतरे पहियों को 3 घंटे की मशक्कत के बाद चढ़ा लिया गया।